स्टूडेंट, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों ने हम लोग जो है वो अपना यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि यूनिट आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, इसका रिटर्न वर्क भी कर लिया होगा आपने और लर्निंग भी आप साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, अब ज़रा जब नेक्स्ट यूनिट में आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आपका बुक के जो कॉन्टेंट है वो बता देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट यूनिट पर जाने में आसानी हो। आपके पास ये कंटेंट है इस बुक में और इसमें जो टोटल कंटेंट मिलेंगे यानी टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास इस बुक के अंदर वो हैं 13 यूनिट्स। ठीक है, तो 13 में से जो है वो इसको हमने दो हिस्सों में, क्योंकि हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो फॉलो होगा, तो फर्स्ट टर्म में जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो 6 यूनिट है, सेकंड टर्म में इंशाल्लाह हम 7 यूनिट्स पढ़ेंगे। जो 6 यूनिट्स पढ़ेंगे उसकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं हम, कौन कौन से यूनिट हैं जो हम फर्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप अपनी बुक में चाहें तो मार्क कर लें। यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे हम, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे वाटर। यूनिट नंबर 7 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 9 हीट एंड एनर्जी। यूनिट नंबर 10 डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपकी इस बुक में, साइंस की बुक में कि जो यूनिट्स हैं उसके हम पीछे पढ़कर आए हैं। आपने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी कि साइंस की जो है वो 3 मेन ब्रांचेस हैं, तो 3 मेन ब्रांचेस में एक बार कौन सी थी, बायोलॉजी, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी फिजिक्स। तो जो टोटल आपको यहाँ यूनिट्स नज़र आएंगे वो क्या होंगे, कुछ बायो से हैं, कुछ केमिस्ट्री से हैं, कुछ फिजिक्स से। जैसे कि फर्स्ट टर्म की अगर मैं आपको के बारे में बताऊँ तो ये फर्स्ट 2 यूनिट जो हैं, यूनिट नंबर 1 और 4 नाम से पता चल रहा होगा किससे हैं, जी गुड, बायोलॉजी से। 6 और 7 किससे हैं, केमिस्ट्री से। 9 और 10 जो हैं वो किससे हैं, हमारे फिजिक्स से। तो यूनिट नंबर 1 जो बायो से था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बाद एक यूनिट कहाँ से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से, और फिर उसके बाद एक यूनिट फिजिक्स से, फिर बायो पे आएंगे, फिर केमिस्ट्री पे, फिर फिजिक्स पे। तो कुछ इस तरह से हमने अपना जो इस फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसे डिवाइड किया है। चलें जी, यूनिट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी से। अब हम केमिस्ट्री का जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 7 है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। 6 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम, क्योंकि केमिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर है आपकी बुक में वो पहला जो बेसिक है वो ये है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज जो है हम इस यूनिट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा जनरल मेंटेन करने का जो तरीका है वो बता दूँ। वैसे तो आप लोगों ने मेंटेन कर लिया होगा इंशाल्लाह, 6 में मेंटेन कर चुके थे। मैंने फिर जिस लेक्चर से जो है वो हमने रिटर्न वर्क स्टार्ट किया मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज मेरे पास एक मॉडल जनरल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कोशिश करिएगा कि अपना जनरल इसी तरह से मेंटेन करें। ठीक, कवर चढ़ा लिया होगा आपने, गुड, सही है। क्या करेंगे, अपना नाम, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट साइंस, कोई भी आपके पास साइंस में जो भी डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है जो आप इजीली ड्रॉ कर सकें वो ड्रॉ करेंगे, चाहे तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद इस वाले पेज पे भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट ये सब लिख दीजिएगा। इंडेक्स का पेज है, डेली इंडेक्स मेंटेन करना है, करना आता है ना। चलिए मैं बाद में और बता दूंगी तफसील से। फर्स्ट पेज पे क्या हेडिंग डालनी है, फर्स्ट टर्म 2020। देख लें किस तरह से डाला हुआ, अच्छा लग रहा है, आपको भी ऐसे ही अच्छा सा जर्नल बनाना है। इसके बाद जो यूनिट हम कर रहे होंगे, यूनिट 1 हम कर चुके, यूनिट नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे और उस यूनिट का नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आ जाते हैं डेट डालेंगे, डेट मेंशन करना मस्ट है। थर्ड जो है डे है, 3 जुलाई से हमने काम स्टार्ट किया था, मैंने आपको रिटर्न वर्क करवाया 3 जुलाई। क्या था मेन, जो उसका क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, उसका पार्ट ए किया था हमने, उतार लिया होगा आपने, नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, देख लेंगे किससे लिखा है। ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से। फिर हेडिंग डालेंगे, क्योंकि हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखना है तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। हेडिंग डालने के लिए जो है आप क्या यूज़ करेंगे, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कीजिएगा और उसे अंडरलाइन करेंगे ब्लू मार्कर से। ठीक है, जितनी भी हेडिंग डलेंगी, जो मेन हेडिंग्स होंगी हमारी, जैसे यहाँ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट की, ये मेन हेडिंग है, किससे लिखा है, ब्लैक से लिखा है मार्कर से, और अंडरलाइन किया है ब्लू से, बिल्कुल इसी तरह से अंडरलाइन करना है। ठीक है, आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा।
उसी दिन हमने बी पार्ट किया था, डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ प्लांट। तो चूंकि स्टेम मेन हेडिंग है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन मैंने मार्क करवाया था, कर लिया होगा आपने जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है। सी पार्ट किया था हमने उसी दिन, नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको डी जो पार्ट करवाया था वो किस डेट पे करवाया था, 4 जुलाई, डेट डाल दी होगी। फर्स्ट पेज पे लाजमी डेट डालें, कोशिश करें फर्स्ट और लास्ट पे डालें, लेकिन फर्स्ट जहाँ से काम स्टार्ट करेंगे वहाँ मस्ट है, ठीक है। पेज नंबर भी हर पेज पे डाला हुआ होना चाहिए, डालनी है जहाँ से काम स्टार्ट होगा वो पेज नंबर 1 है, ठीक। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये जो पार्ट डी है ये हमने किया था 4 जुलाई को, डेट डाल दी, ठीक है। मेन हेडिंग फंक्शन ऑफ लीव और 3 जो फंक्शंस लिखवाए थे मैंने वो लिख लिए होंगे। फिर इसके बाद पार्ट ई किया था हमने 7 जुलाई को, कर दिया। हेडिंग जिस तरह से मैंने बोली वो डाल दी। डायग्राम इसके साथ ड्रॉ करनी थी, जिसके साथ डायग्राम है उसके सामने ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका भी देख रहे हैं आप लोग कैसे ड्रॉ करनी है। लेबलिंग करनी है वन साइड, एक साइड पे लेबलिंग होगी, ठीक है। और जो भी डायग्राम है उसका जो नाम है वो आप यहाँ नीचे लिखेंगे और इसको बॉक्स में जो है वो इस तरह से बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने का भी तरीका यहाँ पे सीख लिया आपने। अब इसके बाद ये है आपके पास एफ पार्ट, हमने किया था जिस डेट पे किया 10 जुलाई, वो आपने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है। देख लें हेडिंग किस तरह से डली हुई है, ये काम हो गया आपका। फिर इसके बाद कल जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, ठीक, आपको खुद करना था, कर लिया होगा उम्मीद करती हूँ, ठीक। क्या था वर्ड, राइट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, किस किस के फंक्शन लिखने थे, रूट के, फंक्शन ऑफ रूट की हेडिंग है। किसका लिखना था, फंक्शन ऑफ फ्लावर आ गया, फंक्शन ऑफ स्केलेटन, दो दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन लिख लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा टैली चाहें तो कर लें आप लोग, और ज़रूरी नहीं है कि यही फंक्शन लिखें, क्योंकि 3 फंक्शन बुक में लिखे हुए हैं, कोई से भी 2 लिखने हैं, तो अगर आपने वो 2 बुक से लिखे हैं तो सही है, गलत नहीं है वो, ठीक। तो चलें जी, हो गया यहाँ पे ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। ये हमारा रिटर्न वर्क है जर्नल का, कुछ वर्क हमने बुक में भी किया था, बुक में भी ऐसे ही डेट डाल के काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब इंडेक्स बनाना था आपको, रोज़ का रोज़ इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स देखें, यूनिट नंबर 1 की हेडिंग डालें, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब डेट, सीरियल नंबर क्या हो गया, 1, डेट डाल दी, कौन सी डेट से काम स्टार्ट हुआ, 3 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 1 किया था ए से लेकर सी तक, किस पेज से स्टार्ट किया, 1 से, कहाँ तक किया, 3 तक, वो मेंशन किया। इसी तरह 4 जुलाई को 1 का डी किया था, इसी दिन मैंने ड्रॉ करने को दिया था स्ट्रक्चर ऑफ लीव, पेज नंबर क्या हो गया, 3, ठीक है। इस तरह से आपने पूरी डेट डालकर और ये पेज नंबर डालकर क्या करना है, इंडेक्स मेंटेन करना है डेली, जिस डेट पर भी काम करेंगे। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर कौन सा मैंने कहा यूनिट स्टार्ट करूँगी, 7, ठीक है, यूनिट नंबर 7। और क्या नाम है इसका, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। तो इस तरह से ये आपका जर्नल, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसी तरह मेंटेन किया होगा। लेकिन बहरहाल आपने अगर अभी नहीं इस चीज़ को फॉलो किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो इसी तरह फॉलो करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब यूनिट नंबर 7 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या, पता है ना आप लोगों को, अपनी प्रीवियस क्लास में आप पढ़कर आए हैं, क्या है जी, गुड। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, क्या है, कोई भी चीज जो वेट क्या करती हो, वेट रखती हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो यानी जगह घेरती हो, वो सब क्या कहलाती है, मैटर। ये आपको अपने इर्द गिर्द आप चीज़ों को देख रहे हैं, ये चीज़ें क्या नज़र आती हैं आपको, कैसी नज़र आती हैं, इनका वेट भी है या स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। अपने इर्द गिर्द जरा नज़र दौड़ा लें, क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। आपके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, आपके पास आपके मार्कर्स होंगे, पेन होगा आपके पास, वाटर मौजूद होगा आपका, आपका जगह मौजूद होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इनका वेट भी है, ठीक है, वेट है ना इनका, और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, जगह घेर रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर। तो तमाम आपको इनमें क्या नज़र आ रहा होगा, इनमें से कुछ मैटर जो हैं वो आपके पास, या सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, उनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। स्टेट्स क्या मतलब, मुख्तलिफ आपके पास ये स्टेट्स में मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आती हैं, और वो क्या हैं, कुछ इनके अंदर क्या है, सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, कुछ क्या है, लिक्विड, जैसे ये वाटर नज़र आ रहा है आपको, आपके जूसेस हैं, मिल्क है, ये सब क्या होता है आपका, लिक्विड। और एक और स्टेट भी
हमारे इर्द गिर्द और क्या मौजूद है, क्या मौजूद है हमारे इर्द गिर्द? एयर मौजूद है ना, ठीक है। एयर भी क्या है आपके पास? मैटर, क्योंकि एयर भी क्या करती है, एयर का भी वेट है और वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमें नजर नहीं आती लेकिन बहरहाल एयर जो है वो भी क्या है, मैटर है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि आपने देखा कि आप जब बलून में जो वो एयर डालते हैं तो वो क्या करती है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद बलून फूल जाता है ना, तो साइज क्या हो गया उसका, इंक्रीज हो जाता है, तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और वेट भी इंक्रीज होता है। टायर में हवा डालते हैं तो क्या होता है, टायर का जब आप हवा भरते हैं टायर में तो उसका वेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ठीक। और इसी तरह से वो वेट स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, एयर जब डालते हैं टायर में आपके पास तो एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो एयर भी क्या है, मैटर। तो इससे मैंने क्या बात आपके समझ में आई कि मैटर जो है वो हमें थ्री स्टेट्स में मिलता है, या तो क्या है हमारे पास मैटर सॉलिड स्टेट्स में है, ठीक है, जैसे आपकी बुक है, आपकी पेंसिल है, आपका रेजर है, ये बोर्ड है आपके पास, ये स्केल है, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट्स हैं। या मैटर हमें किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड, जिस तरह की एग्जांपल देखी हमने, वाटर है, जूस है आपके पास, मिल्क है, ये सब लिक्विड है। और गैस की एग्जांपल वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन अभी हमने एग्जांपल देखी है एयर की, ठीक। अब नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर है। मैटर तो हमने देख लिया कि मैटर क्या है, अब कॉम्पोजिशन क्या है मैटर की। कॉम्पोजिशन मीन हाउ मैटर इज मेड, हाउ मैटर मेड अप ऑफ, मैटर बना कैसे है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास उस बिल्डिंग का ब्लॉक क्या होता है, ब्रिक, ठीक है ना, ईंटें जो होती हैं या ब्लॉक्स जो है हम यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है वो क्या हो जाती है, दीवार खड़ी होती है और उससे फिर क्या बन जाती है, बिल्डिंग। ऐसे ही आपने लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया अपनी प्रीवियस क्लास में कि लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल, ठीक। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से क्या बन जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही मैटर का, जो हम यहाँ मैटर देख रहे हैं, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम, ठीक। तो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम। तो हम देखते हैं एटम क्या है, एटम क्या है आपके पास, एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला, जिसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, यानी इसको मजीद हमने क्या नहीं कर सकते, इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम है क्या, टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत छोटा, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ऑल सब्सटेंसेस या ऑल मैटर का, यानी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल और बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाता है किसका, मैटर का, जिससे एक मैटर जो है वो बनता है, बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं और एक क्या बन जाता है, मैटर। अब मैंने कहा एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, सबसे छोटा, इतना छोटा, यानी इसका साइज जो होता है वो क्या है, वेरी स्मॉल, इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि ये जो आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है ना, फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं हम, कोई भी सेंटेंस उसको एंड में क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप। तो इस फुल स्टॉप में कितना छोटा सा है, इसके अंदर 4 बिलियन जो है वो सोडियम एटम जो है वो फिट हो सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके एटम की, सोडियम एटम की, हम बाद में और देखेंगे कि क्या होता है सोडियम एटम, हम एटम की बात कर रहे हैं कि मैटर का कौन सा मैटर लिया, इसकी एग्जांपल हमने सोडियम एटम ले ली। तो इस फुल स्टॉप के अंदर कितने, 4 बिलियन सोडियम एटम जो है वो फिट हो सकते हैं, तो सोचे कितना छोटा साइज होगा, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास क्या, कि मैटर जो है वो किससे बना है, एटम से। एटम क्या है, किसे कहा हमने, टाइनी पार्टिकल है और बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम सब्सटेंसेस या मैटर का, ठीक। साइज हमने देखा बहुत स्मॉल होता है, लेकिन इतना स्मॉल साइज है इसके बावजूद जो है वो इसके अंदर और मजीद जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, कि जो इतना छोटा सा हमारा एटम है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक। कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एटम के सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस, ठीक। तो एटम के कितने पार्ट हैं, एक है न्यूक्लियर पार्ट, यानी ये न्यूक्लियर पार्ट है, और इस न्यूक्लियर पार्ट के गेज, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम एनर्जी लेवल और शेल भी कहते हैं, और इसके गेज कौन सी चीज, इसके जो
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है। और इस न्यूक्लियस में जो सेंटर में मौजूद है, इसके अंदर इसके दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो कौन सा है आपके पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो एटम का हमने देखा स्ट्रक्चर क्या है, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियर पार्ट है इसका और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट जो सेंटर में मौजूद है, इसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके दो पार्टिकल। ठीक, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में यानी न्यूक्लियस के गेट क्या मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो एटम के कितने हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एटम जो खुद इतना छोटा है, उस छोटे से एटम में भी मजीद ये तीन इसके पार्ट्स मौजूद होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मास भी जो है वो इनका, जाहिर सी बात है इतना छोटा एटम खुद इतना छोटा है तो ये कितने छोटे होंगे, तो इतना छोटे होते हैं कि इनका मास भी बहुत कम होता है। और उस मास को हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक यूनिट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मास दिया हुआ है इन तीनों पार्टिकल्स का। ठीक है, तो मास जो है वो प्रोटॉन का कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम है, 1 और 1। इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहा है आपको, जो न्यूक्लियस के गेट जो है वो घूम रहा होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, न्यूक्लियस के गेट घूमना। अब चीज घूम रही है न्यूक्लियस के गेट, तो क्या होगा, इसका मास जो होता है क्या होता है, निग्लिजिबल, ना होने के बराबर, बहुत कम मास होता है। भारी चीज होगी तो क्या होगा, रिवॉल्व करने में परेशानी होगी ना, तो इसका मास जो है, यानी ये जो इस वाले पार्टिकल का जो कि कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, शेल में, ठीक है, इसका जो मास है बहुत कम है। ठीक, तो ऑलमोस्ट नो मास, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑलमोस्ट नो मास। ठीक, अब हम देखते हैं इनके ऊपर क्या मौजूद है, आपको चार्जेस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, दो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पे यहाँ देख लीजिए, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, जो न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इसके अंदर क्या है, नो चार्ज। ठीक, और हमने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी शेल और ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका जो चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आगे के टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, केमिस्ट्री की ये बेस है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो क्लिप को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए जी, अब होमवर्क नोट कर लेते हैं। डू क्वेश्चन नंबर 1A फ्रॉम यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करेंगे। ठीक है, और आपके पास लर्न करना है, आपको याद करना है, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, प्रीवियस यूनिट था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 6 अभी हमने याद नहीं किया है। ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा, और ये वाला क्वेश्चन 1 जो ए है ये आपने लिखना है। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1A, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1A आपको मिलेगा, बुक का है आपके पास पेज नंबर 70। ठीक है, बुक में है पेज नंबर 70, ये है एक्सरसाइज नंबर 1, इसका है पार्ट ए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर बताना है। मैंने आपको तफसील से बता दिया। ठीक, अब आप जो है इसको खुद से लिखेंगे, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, बुक में आपको ये मिलेगा टॉपिक, कहाँ पे आपके पास चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर है हमारे पास 61। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है इससे ऊपर मिल जाएगा। अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखिएगा, बहुत क्लियर हो। ठीक, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।